यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स आज के सेशन में। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट मी नो इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन। यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। एंड मैं बता दूं दैट यू आर वॉचिंग इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, दैट इज IAS टॉपर्स मंत्रा। एंड दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 decade in offline mentoring and past 2 years in online mentoring upon various edtech platforms. UPSC में मेरा experience 2 बार personality test देने का है, 4 attempts और 4 mains में। I've also worked as assistant commissioner of sales taxes in Uttar Pradesh State Services for 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. एंड टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा, आपको यहीं जुड़ना है इस सेशन के फ्री PDF के लिए। तो चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्या आज इम्पॉर्टेंट है सेशन में। और आज 22 और 23 अक्टूबर यानी कल और आज के न्यूज़ एक साथ, आपको पता है शनिवार और रविवार का न्यूज़ थोड़ा सा न्यूज़ सेशंस कंबाइंड होते हैं कभी कभी, एंड मंडे टू फ्राइडे इट्स हेल्ड एवरीडे, सैटरडे संडे मीन्स थोड़ा टाइमिंग और इवन इन द सेशंस। तो सैटरडे संडे का सेशन इस वीक में हम लोग साथ में देख रहे हैं। चलिए देखते हैं डीकोड इंटरलिंक अप्रोच से, 360 डिग्री अप्रोच से और फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अप्रोच से, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं इन 2 दिनों में, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस एंड लाइव मिंट एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं ये भी बता दूं दैट IAS टॉपर्स मंत्रा, हमारी कोचिंग एकेडमी हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, हैज लॉन्च्ड वेरियस 1 ईयर 2 ईयर एंड वीकेंड मेंटरशिप कोर्स ऑनलाइन कम ऑफलाइन। तो 1 ईयर कोर्स इज टारगेटिंग 2023 प्रिपरेशंस या 2024 प्रिपरेशंस, 2 ईयर कोर्सेज आर टारगेटिंग 2024 एंड 25 प्रिपरेशंस, एंड वीकेंड जो मेंटरशिप कोर्स है दैट इज़ फॉर देम हु हैव जो मीन्स स्टैटिक में ठीक ठाक पढ़ लिए हैं, NCERTs वगैरह पढ़ लिए हैं और रेफरेंस बुक्स पढ़ लिए हैं, और उसके बाद करेंट अफेयर्स, MCQs, आंसर राइटिंग और डिफरेंट जगह से सप्लीमेंटेशन अपने दिस नॉलेज का करना चाहते हैं। वीकेंड मेंटरशिप कोर्स में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस वीक में क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है, आज और कल, यानी शनिवार को ये सेशन हो चुका है 5 आवर्स का, और संडे और मंडे 3 डेज ये सेशंस होते हैं वीकेंड मेंटरशिप कोर्स का इन IAS टॉपर्स मंत्रा। तो ये देखिए, रिपोर्ट्स ऑफ द वीक, समिट ऑफ द वीक, मैपिंग ऑफ द वीक, योजना, अक्टूबर इश्यू, न्यूज सिनॉप्सिस ऑफ द होल वीक, न्यूज आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स ऑफ द होल वीक, डाउन टू अर्थ एंड PIB न्यूज, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड फंडिंग, ये गवर्नेंस का टॉपिक कल हम लोगों ने देखा था इसमें, एथिक्स केस स्टडीज ऑफ द वीक, टर्मिनोलॉजीज ऑफ द वीक एंड आंसर्स ऑफ द वीक। तो ये पूरे सिनॉप्सिस कंबाइन करके ये 22, 23, 24 अक्टूबर को इतना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, इट्स मीन्स टोटली कोरिलेटिंग विद द स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस, इट हेल्प्स अ लॉट एज स्टूडेंट्स आर सेइंग। तो ये देखिए मोबाइल नंबर्स, अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स लेना है तो 8329637094 पर आप संपर्क कर लीजिए। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, या 7276637094 एंड दिस 7038899438। तो ऑफलाइन एंड कम ऑनलाइन ये पूरे सेशंस चल रहे हैं। चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स आज की तारीख के न्यूज़ के ऊपर। तो एटलस निकाल लीजिए, एटलस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, GS पेपर 1, 2, 3, 4 मेन सिलेबस निकालिए, न्यूज़ नोटबुक निकालिए एंड 3-4 कलर के पेन निकालिए। चलिए बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या आज इम्पॉर्टेंट है आज और कल के न्यूज़ में। सबसे पहले इकोलॉजी एनवायरमेंट का न्यूज़ ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर, न्यू स्पीसीज ऑफ जीनस अल्मेनिया स्पॉटेड। अल्मेनिया क्या ये कोई प्लांट है? यस, जीनस अल्मेनिया में अभी तक केवल एक ही प्लांट डिस्कवर किया गया था जिसका नाम था अल्मेनिया नोडी फ्लोरा, ये 1753 में डिस्कवर किया गया था, ये देखिए ठीक है, और 1834 में इसको नाम देकर इसको मीन्स कहा गया कि इस जीनस का ये एकमात्र प्लांट है। तो जीनस और स्पीसीज आपको पता है साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीसीज ही पुटअप किया जाता है, दिस इज द जीनस द अल्मेनिया, स्पीसीज इज नोडी फ्लोरा। ये देखिए ये प्लांट देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर, अल्मेनिया नोडी फ्लोरा, ये देखिए
अब सेकेंड स्पीसीज इसका पा लिया गया है कहाँ पर, दिस इन केरल, केरल स्टेट, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। आइए देखते हैं कहाँ पर, ये देखिए, अ रैदर फ्रेल लुकिंग प्लांट स्पॉटेड ऑन द ग्रेनाइट हिलॉक्स ऑफ पलक्कड़। ग्रेनाइट हिलॉक्स ऑफ पलक्कड़ हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ न्यू स्पीसीज ऑफ द जीनस एल्मेनिया। एल्मेनिया मल्टी फ्लोरा नाम रखा गया इसका। ये देखिए, अब ये मत कहिएगा कि सर ये सब पेड़ मेरे घर में मिलता है, ठीक है, खेत में मिलता है, बगान में मिलता है, या सर हम रोड के किनारे ये पेड़ देखे थे। अरे इस तरह का पेड़ होगा, रिजेंबल करता हुआ ऐसा, ये एग्जैक्टली ये पेड़ नहीं होगा। ओके, व्हाइट फ्लावर्स बहुत सारे पेड़ में होते हैं, तो ये एल्मेनिया नोडी फ्लोरा है। ये देखिए, एल्मेनिया नोडी फ्लोरा जो कि पाया गया था पहले सिलोन में यानी श्रीलंका में, अब एल्मेनिया मल्टी फ्लोरा भी पाया जा रहा है, यानी जो नया डिस्कवर किया गया। ये देखिए, तो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा आपका, ये सवाल रहेगा, नहीं सवाल रहेगा दैट सर यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, बस क्वेश्चन ये आ सकता है, सिंपल टेक्निकल टर्म, विद व्हाट फील्ड इज एल्मेनिया रिलेटेड, इट्स अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, नहीं इट्स अ फ्लावरिंग प्लांट, इट्स अ एनिमल, इट्स योर अनदर नेम, इट्स द दिस इट्स द नेम ऑफ अ एक्सो प्लैनेट, ये चार ऑप्शंस में आ सकता है। तो आप देख लीजिएगा, प्लांट का नेम है जीनस, प्लांट का जीनस का नेम है ये देखिए स्टूडेंट्स, एल्मेनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, चलिए आगे बढ़े क्या, नहीं, ये आप अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के आसपास पाया जा रहा है तो दिक्कत की बात है भाई, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम, ये एंडेमिक है, ये एंडेमिक है साउथ इंडिया और साथ में सिलोन और श्रीलंका में। इज दिस क्लियर, मुझे बताइए, और इसीलिए इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड टैगलाइन दिया गया है। ये देखिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्योंकि ये IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से ये एंडेमिक है, थोड़े ही जगह पर है और एक ही दो, देखिए ये जो नया वाला प्लांट है ना एल्मेनियन मल्टीफ्लोरा, इसका एक ही दो पीस पाया गया है अभी तक साउथ इंडिया में, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, नहीं ये पहला टॉपिक हो गया। सेकेंड टॉपिक, ग्रेजिंग एनिमल्स इंपॉर्टेंट इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। आप एक अच्छा सर, क्या ये न्यूज हम लोगों ने पढ़ा था पहले, शायद हम लोगों ने ये मैप देखा था, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, सुना है आपने सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड। ये देखिए, क्या उस दिन हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा था दैट द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन हेल्ड बाय द सॉयल माइक्रोबियल कम्युनिटी माइक्रोबियल फैक्ट्री इज मोर देन द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन फाउंड अपॉन द सर्फेस, दैट्स इट, सर्फेस से कहीं ज्यादा कार्बन अंदर में पाया जा रहा है। ये देखिए, नहीं तो ग्रेजिंग एनिमल्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सॉयल कार्बन इन ग्रेजिंग इकोसिस्टम्स। यही देखिए द हिंदू में, साइंस एंड टेक में आज पब्लिश हुआ है, ये देखिए, एंड इसमें लिखा हुआ है वही सेम कंसेप्ट दैट ग्रेजिंग एनिमल्स हैव अ बिग रोल इन मेंटेनिंग द सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन। ये देखिए, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन को मेंटेन करने में एक बड़ा रोल है, बिग रोल ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, और अगर ग्रेजिंग एनिमल्स को हटा दीजिएगा तो वो सारा सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फियर में, बात समझ में आ रही है, एंड इट विल एड अप टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब साफ है दैट ये न्यूज बता रहा है कि ग्रेजिंग एनिमल्स से ग्रेज करवाया जाए, ग्रासलैंड्स को, श्रबलैंड्स को, स्टेपीज को, सवाना को, जिससे कि सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहे। आप बोलेंगे सर ग्रेजिंग एनिमल सर कैसे सर मेंटेन कर रहे हैं, अरे मेंटेन कर रहे हैं, मैं बता दूंगा आपको कैसे, बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर हूफ्स एंड देयर दिस, उनके चलने के कारण भी क्या वहां पर पोर्स बनेंगे, एयर पोर्स, यस ये देखिए, और यही वजह होता है एयर पोर्स में माइक्रोब्स एंड ऑक्सीजन विल गो इनसाइड एंड दिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑल्सो गो इनसाइड एंड द केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस इनसाइड, यस ये देखिए माइक्रोबियल फैक्ट्री काम ही करेगी तब। अब अगर उसको हटा दिया ग्रेजिंग एनिमल्स को, वहाँ एकदम सपाट जमीन, ठीक है, और उसके ऊपर मींस कोई एयर स्पेस नहीं, तब दिक्कत की बात है। इसीलिए ग्रेजिंग इकोसिस्टम स्टोर कार्बन इन द सॉयल एंड देयरफॉर डीकार्बोनाइज द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट चेंज गोल्स अचीव करने में बहुत बड़ा रोल, ये देखिए क्लाइमेट चेंज गोल्स अचीव करने में बहुत बड़ा रोल। तो कल को स्टूडेंट्स ये देखिए कहाँ स्टडी किया गया, लाहौल एंड पीती में स्टडी किया गया, ठीक है, याक और आइबेक्स के ऊपर। ये देखिए, तो आप कल को जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, सामने से याक आ गया और आइबेक्स आ गया, तो
जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल्फी खींचना शुरू कर दिया वहां पर, और मींस बात इस पर आ गई कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट याक और आईबेक्स हैं, गेटिंग द पॉइंट, बिकॉज दे आर हेल्पिंग मेंटेन द सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन इन दैट रीजन, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ जाएं, गॉट इट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट पॉइंट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन। नेक्स्ट, आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टार्ड नाउ माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान। तो क्या ये न्यूज देखिए क्या आपको सरप्राइज कर रहा है, 150 की संख्या में ग्रेट इंडियन बस्टार्ड रहते थे पहले राजस्थान में, डेजर्ट नेशनल पार्क में, ये देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क में। यूपीएससी ने फिर सवाल पूछ दिया इनके ऊपर, डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर, इनके ऊपर सवाल नहीं पूछा, इनके घर के ऊपर सवाल पूछ दिया डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर। 2021 प्रीलिम्स, डिड यू सी द क्वेश्चन पेपर, शायद 98 नंबर सवाल यही था सेट ए में, याद कीजिए। ठीक है, ओके, आई विल पुट अप द बैकग्राउंड, मैं व्हाइट कर दूंगा, ब्लैक नहीं रखूंगा इस पीडीएफ का, चिंता मत कीजिए। यस यस, मनीष गॉट इट। तो ये देखिए, तो डेजर्ट नेशनल पार्क से ये ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पाकिस्तान में चले गए हैं, क्या ये कहा जा रहा है, ये पहला रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। तो दिस इज द पाकिस्तान डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, ये देखिए यहाँ पर, यही देखिए कहा जा रहा है, देखिए यहीं पर माइग्रेट किया है ये सब, ये देखिए जस्ट जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ये देखिए यहाँ से बस क्रॉस कर लिया इस तरफ, ये पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में आता है, सतलज नदी के दक्षिण में, ये देखिए दिस बेल्ट, ये देखिए पाकिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, उसमें सतलज नदी के दक्षिण में जो हिस्सा है ये चोलिस्तान डेजर्ट है, यहीं पे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड स्पॉट किए गए हैं। अब लेकिन सर स्पॉट किए गए तो इसका मतलब क्या कि हमारे वाला ही गया है क्या उधर। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि हम इस तरफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी संख्या कम हो रही है विद टाइम, एंड दिस इज वाई इट इज मीन्स बींग प्रेडिक्टेड, ये एक गेस वर्क किया गया है कि शायद वो चले गए उधर, ओके शायद वापस आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये क्या ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के बारे में देखिए क्या यही चीज़ें देखिए यहाँ लिखी हुई है, इट्स नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यस, आर्डियोटिस निग्रीसेप्स इसका नाम है साइंटिफिक नेम, ये राजस्थान और गुजरात में अभी पाया जा रहा है, पहले महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्रा में पाया जा रहा था, सब जगह खत्म हो गया है, ओके। इट इज़ ओमनीवोरस एंड बर्ड है ये, इसको कभी इंडिया का नेशनल बर्ड घोषित करने की भी बात थी, बट देन द पीकॉक वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल बर्ड। लेट मी टेल यू, कॉजेज फॉर थ्रेट, हंटिंग एंड पोचिंग एंड इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के तार से लड़कर गिर जाता है ये, एंड व्हीकल्स एंड फ्री रेंजिंग डॉग्स, ढोले डॉग्स एंड हैबिटेट लॉस, कहीं ऐसा नहीं हो जाए दैट चीता की न्यूज पढ़कर ये चला गया हो उधर, पता नहीं। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए इट इज़ प्रोटेक्टेड, ये देखिए इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, दिस वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड, एंड वंस इन द रनिंग टू बिकम इंडियाज नेशनल बर्ड इज नाउ फ्लटरिंग फॉर सर्वाइवल, ये देखिए। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल वन में लिस्टेड है, ये देखिए, एंड इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है इंडिया में। तो ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, इट्स द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ये देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 150, ये देखिए, एंड इन राजस्थान, एंड 95% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन राजस्थान ओनली, ये देखिए। तो मुझे बताइए क्या क्लियर हुआ इसके बारे में स्टूडेंट्स ये टॉपिक। अभी आप बोलिए सर ये क्यों हो रहा है, अब देखिए मैं बता दूं, एक और रीज़न हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं जैसलमेर में और सोलार पैनल्स लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, सो इट माइट इम्पैक्ट द हैबिटेट ऑफ, देखिए हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज अ वेरी कॉमन फीचर अकरिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डू यू एग्री, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये वर्ड सुना है आपने, मुझे बताइए। ये देखिए तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण मींस ये बर्ड्स स्पेशली दे नीड बिग हैबिटेट्स, और इनका फ्रेगमेंट कर रहा है हैबिटेट या तो बिजली के तार या सोलार पैनल्स। अब कहा जा रहा है कि मींस रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा गढ़ बनेगा जैसलमेर और गुजरात का नॉर्दर्न बेल्ट्स, दैट्स इट। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज इट, ओके। तो चोलिस्तान डेजर्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इंपॉर्टेंट, उसका प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट, और इसका नाम आर्डियोटिस निग्रीसेप्स, क्रिटिकली एंडेंजर्ड,
राजस्थान का स्टेट बर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द पाथ टू मुगाफी विल बी पेव्ड विद ट्रेकर्स ड्रीम्स। जस्ट 3-4 डेज बैक हम लोगों ने नाम दफा नेशनल पार्क, क्या कुछ इसका कुछ आया था कुछ न्यूज मुझे बताइए। नाम दफा नेशनल पार्क, ये देखिए स्टूडेंट्स नहीं आया फिर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नाम दफा नेशनल पार्क कहां पर है ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश का टिप जो है, जो प्रोजेक्शन है विच इज गोइंग इन म्यांमार, वहीं पर एक जिला है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में नाम दफा नेशनल पार्क, ये देखिए। नाम दफा एक नदी का भी नाम है, मैं बता दूं यहां पर, ये देखिए ठीक है, नाम दफा एक नदी का भी नाम है। एंड यस इट्स द ईस्टर्न मोस्ट, इट्स द ईस्टर्न मोस्ट दिस नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यस ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन टू म्यांमार। ये देखिए यहां पर पटकई रेंजेस हैं यहां पर, ये देखिए, और ये देखिए प्रोजेक्शन है, इसी में स्टूडेंट्स नाम दफा नेशनल पार्क लोकेटेड है। यहां पे एक नदी भी फ्लो करती है नोहा दिहिंग, ये देखिए नोहा दिहिंग मैं लिख रहा हूं, नोहा दिहिंग विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ओके, और नोहा दिहिंग रिवर की ट्रिब्यूटरी है नाम दफा रिवर, ये देखिए ओके। तो क्या यहां पर घोस्ट कैट का न्यूज आया था क्या 2 हफ्ते पहले मुझे बताइए। यस करेक्ट अप्रोच, बिल्कुल सही पकड़ा, स्नो लेपर्ड के बारे में न्यूज आया था कि यहां पर 4 बिग कैट्स, ऑल 4 बिग कैट्स शायद यहां पर होंगे। 3 बिग कैट्स तो हैं गारंटेड, एक रॉयल बंगाल टाइगर, एक दिस नॉर्मल लेपर्ड, एक क्लाउडेड लेपर्ड, उसके बाद स्नो लेपर्ड है कि नहीं उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, और इसीलिए स्टूडेंट्स ये न्यूज में आया था नाम दफा नेशनल पार्क। क्या कुछ याद आया या मुझे ही केवल याद आता है मुझे बताइए, क्या कुछ आप लोगों को याद आया कहां पे ये आपने पढ़ा था। और ये देखिए यहां पर इस जगह पर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, और अभी न्यूज क्या आया नोट कीजिए, यहां पर ट्रेकिंग के लिए, टूरिज्म के लिए, ये देखिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट चल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए। और इसमें अब सर तो आपको क्या मतलब, क्या वहां चलना है क्या टूरिज्म करने के लिए? नहीं नहीं, इसके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे कुछ माउंटेन पासेस न्यूज में आए। चौकन माउंटेन पास, ये देखिए चौकन माउंटेन पास इज इन नाम दफा नेशनल पार्क, याद कर लीजिए, ये देखिए चौकन माउंटेन पास, देखिए यहां लिखा हुआ है, ये देखिए चौकन माउंटेन पास, ये म्यांमार में जाने का एक रास्ता है। मुगाफी माउंटेन पास, ये भी म्यांमार में जाने का रास्ता है, ये देखिए मुगाफी, देखिए न्यूज में चल रहा है मुगाफी चौकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जाना नहीं है वहां पर लेकिन पढ़ लेना है उसके बारे में, ये देखिए मुगाफी एंड चौकन ये कहां पे लोकेटेड है माउंटेन पासेस इन पटकई बूम रेंजेस, ये देखिए गॉट इट। तो इस जगह पर देख लीजिएगा चौकन एंड मुगाफी माउंटेन पास, एडवेंचर टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है नाम दफा नेशनल पार्क के अंदर। अभी तक रोड डेवलप नहीं था, अब रोड डेवलप होगा, मस्त इंसान वहां जाएगा प्लास्टिक फेंकेगा ओके, और फिर वहां से दिस वहां पर पॉल्यूशन उस जगह पर करेगा। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है ठीक है, और यहां पर नोहा दिहिंग रिवर फ्लो करती है। यस 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 यस, ये एलिवेटेड माउंटेनियस बेल्ट है 4000 मीटर्स अबव सी लेवल, ये देखिए इसका हाइट है, ये देखिए अच्छा खासा हाइट है स्टूडेंट्स ओके। सो मुगाफी इज ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, दिस अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड, ये देखिए इस जगह पर। तो क्या इतना काफी है स्टूडेंट्स मुझे बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडवेंचर टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी जगह जगह लिंक कर सकते हैं, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन ठीक है, चिप्स पॉल्यूशन ओके, चिप्स मतलब कि वो वाला चिप्स जो खाते हैं आप लोग ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्रीदिंग लाइफ इनटू अ डेड रिवर। ओडिशा का ये न्यूज आया है स्टूडेंट्स, कल न्यूज आया था, ये ओडिशा में एक नदी है सुकापाइका रिवर, ये देखिए सुकापाइका रिवर, ये देखिए सुकापाइका रिवर, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है रिवर महानदी की, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है, महानदी से अलग निकल कर। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिवर मैं यहां बना दे रहा हूं यहां पर मैप, ये देखिए फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया ठीक है, तो नोट कीजिए स्टूडेंट्स ये देखिए, तो दिस इज रिवर महानदी फ्लोइंग इन टू द बे ऑफ बंगाल। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है यहां से अलग होकर फिर यहां कंबाइन
अलग होकर फॉल नहीं करी बे ऑफ बंगाल में, वापस कंबाइन कर रही थी महानदी में. तो इट वॉज लाइक दिस, इट वॉज कमिंग आउट एंड देन अगेन इट वॉज गोइंग बैक इन टू द रिवर महानदी. ये देखिए, तो मुझे बताइए तो ये देखिए क्या, अ स्मॉल रिवर दैट स्टॉप्ड फ्लोइंग 70 इयर्स अगो इन ओडिशास कटक डिस्ट्रिक्ट. कटक डिस्ट्रिक्ट ये देखिए, इज सेट टू बी रिजुविनेटेड. रिजुविनेशन शुरू हो गया है. ये देखिए, सब कोई बात करता है रिवर इंटरलिंकिंग की, यहाँ के लोकल्स बात कर रहे हैं रिवर रिजुविनेशन की. बड़ी बात है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दे दिया है डायरेक्शन लोकल्स के लिए. द सुकपाइका रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनदर रिवर द महानदी नियर आयातपुर विलेज एंड इट फ्लोड फॉर 28 किलोमीटर्स बिफोर मीटिंग द महानदी अगेन एट बंकाला प्लेस. ये देखिए, यस यस, मीएंडर करके वापस वहां जाकर देखिए कंबाइन कर रही थी. ये आयातपुर गांव के पास में अलग हो रही थी और बंकाला गांव में जाकर कंबाइन कर रही थी इनटू द रिवर महानदी. इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या हुआ. इन द 1950s द स्टेट्स वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स हैड इन देयर विजडम क्लोज द सुकपाइका रिवर माउथ इनेबलिंग डेवलपमेंट ऑफ ताल डंडा कनाल सिस्टम. ये देखिए, तो वहां पर कनाल डेवलप करने के लिए इसका रिवर माउथ, ये देखिए जो एंट्री पॉइंट है ना पानी का, यहां बंद किया गया. ये नदी सूख गई. उसके बाद महानदी में रही सही बात, देखिए महानदी के ऊपर फिर हीराकुड डैम डेवलप किया गया और उसके बाद कुछ बचा ही नहीं पानी के मामले में. यही देखिए लिखा हुआ यहां पर, ये डाउन टू अर्थ का मैंने पुटअप किया यहां पर, 2 साल पहले पब्लिश हुआ था. सुकपाइका इज वन ऑफ द सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर महानदी रिवर इन ओडिशा. इट ब्रांचेज अवे फ्रॉम महानदी एट आयातपुर विलेज इन कटक डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोज फॉर 40 किलोमीटर्स. वहाँ 28 दिया है, 40 दिया है. अब ये नहीं पूछेगा यूपीएससी कितना किलोमीटर है. बिफोर रिज्वाइनिंग इट्स पैरेंट रिवर एट तारापुर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट. इन द प्रोसेस इट ड्रेन्स अ लार्ज लैंडमार्क कंप्राइजिंग ओवर 425 विलेजेस. 425 गाँव इस पर निर्भर थे. हाउएवर द रिवर इज अंडरगोइंग सडन बैरननेस. Why is the river diminishing or decreasing? The problem has its roots in 1952 when the state government blocked the starting point of Sukpaika with an embankment to save the villages around it from floods. Subsequently, in 1957, two major projects, Hirakud Dam in Sambalpur and Naraj Barrage at Baraj at Katak, were built upstream on Mahanadi. Hirakud Dam kahan par hai? Naraj Barrage kahan par hai? Locate kijiyega. ठीक है, महानदी के ऊपर है ये, आ सकता है पेयर्स में. और चले जाइएगा पानी लेने के लिए अगर नहीं आपने सही से पढ़ा तो. नराज नरज बराज कहाँ पर है? कटक डिस्ट्रिक्ट रिवर महानदी. और वहाँ पर एम्बैंकमेंट जो क्रिएट किया गया था इसके सुकपाइका के माउथ पर, उसको हटाया नहीं गया ऑब्स्ट्रक्शन को और ये सूख गई नदी. अब ये इतना इतना मीन्स 425 गाँव, 425 विलेजेस, ठीक है, 425 विलेजेस इस पर डिपेंड कर रहे थे और उसको वापस रिवाइव करने की बात कर रहे हैं. ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए सुकपाइका नदी को रिवाइव करने के बाद. देखिए, रिवाइवल इज ऑन द कार्ड्स. द लोकल्स हैव डन दिस मच एंड दिस इज क्लियरली शोइंग दैट अगर पानी यहाँ पर आएगा तो रिमेनिंग बैरननेस खत्म हो जाएगा इस जगह पर. 425 गाँव कम नहीं होते हैं स्टूडेंट्स. कहां इसे लिंक कीजिएगा स्टूडेंट्स? रिवर रिजुविनेशन. ये देखिए, यस, रिवर रिजुविनेशन. शायद हर जगह हमें रिवर इंटरलिंकिंग से ज्यादा जरूरी रिवर रिजुविनेशन चाहिए. मुझे बताइए. यस, देखिए, यू कैन एंड द आंसर इन दिस वे. दिस इज अ केस स्टडी ऑफ रिवर रिजुविनेशन. केस स्टडी. दिस इज ऑल्सो अ केस स्टडी ऑफ हाउ अ डैम कंस्ट्रक्टेड अपॉन द रिवर किल्स द सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर. ये देखिए, तो यू कैन कोट दिस एज अ केस एग्जाम्पल. 30-40 वर्ड्स, कैसे डैम कंस्ट्रक्शन किल करता है रिवर के लाइफ को और कैसे वहाँ के लोग, 425 गांव के लोगों का दिक्कत आता है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. दैट्स इट. चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स. एंड यस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नेंस में भी ये न्यूज़ लिंक हो जाएगा. लोकल गवर्नेंस, यस, यहाँ के लोकल्स ने डिसाइड किया है. ये देखिए, ब्लॉकेज लगाने से पहले असेसमेंट नहीं था क्या? नदी में ब्लॉकेज लगाने के पहले असेसमेंट की बात छोड़ दीजिए. जब दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, असम में, जब रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के पहले असेसमेंट नहीं किया गया, तो आप समझ सकते हैं अब क्या कहा जाए. गेटिंग द पॉइंट? सो असेसमेंट इज डन. अभी आपने क्या, आपने नहीं देखे हैं कि जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हर जगह पर, क्या सब एक्यूरेट बने हुए हैं? मुझे बता दीजिए.
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, लॉकडाउन इंक्रीज एक्सपोजर टू इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो ये देखिए, लॉकडाउन से बाहर की एयर क्वालिटी बिल्कुल ठीक हो गई, मस्त आप हो गए कहा जा रहा था पेपर पे, ठीक है, किताबों में कहा गया, लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। कैसे? कोविड के कारण जो लोग घर के अंदर थे वो सेफ हो गए। ओके, कोविड-19 जिसको पकड़ा उसे अलग दिक्कत है, लेकिन जिसे नहीं पकड़ा वो बिल्कुल सेफ है भाई, वो घर के अंदर रह रहा है, घर के अंदर रह रहा है, लेकिन उसको दिक्कत है। अब लेकिन सर बहुत सारी दिक्कत है सर, मोबाइल गेम खेलने लगे और बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है उसे साइड कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, मोबाइल गेम खेले कि नहीं, साइकोलॉजिकल इलनेस हुआ कि नहीं वो अलग बात है, ओबेसिटी आया कि नहीं, खाना ज़्यादा खाना शुरू किए कि नहीं, वो सब अलग बात है। यहाँ पर बात ये है दैट इंडोर एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है, इंडोर एयर पॉल्यूशन से कॉन्टैक्ट ज़्यादा हुआ लोगों का, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर जाकर फेफड़े में अटक गया, यानी ऐसे ही, ठीक है। ये स्टडी किया गया आज द हिंदू में, साइंस एंड टेक के पन्ने पर आया है, गेटिंग द पॉइंट। स्टडी में ये आया है कि घर में बैठकर ये मत सोचिए कि आप बहुत हेल्दी हैं, घर में मास्क नहीं पहन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, किताब के ऊपर धूल जमी हुई है, यस किताब के ऊपर धूल जमी हुई है, टेबल के ऊपर धूल जमा हुआ है, तो वो भी एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, इंडोर एयर पॉल्यूशन। एंड स्पेशली रूरल बेल्ट्स में ये देखिए, जो लकड़ी के चूल्हे और कोयले के चूल्हे पर कुकिंग हो रही है, इज दिस लीडिंग टू द राइज ऑफ एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट अपॉन द लंग्स ऑफ स्पेशली द फीमेल्स, टेल मी। ये देखिए, तो ये पार्टिकुलेट मैटर का एक्सपोजर ज्यादा हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहां पर, गिवन द प्रेवलेंस ऑफ बायोमास फ्यूल्ड कुक स्टोव्स, ये देखिए, काउडंग, फायरवुड, कोल एंड पीपल बीइंग कन्फाइंड टू स्टे इंडोर्स, एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर मस्ट हैव इंक्रीज फॉर एनी बायोमास यूजिंग हाउस होल्ड, यस ये देखिए एक्सपोजर, दैट्स इट, क्लियर। तो ऑन एवरेज इंडियन वुमेन स्पेंड 87-89% टाइम इंडोर्स, वेर एज मैन स्पेंड 71-73%। द इंडोर पीएम 2.5 कंसंट्रेशन फॉर बायोमास यूजर हाउस होल्ड इज 2-20 टाइम्स हायर देन देयर रिस्पेक्टिव आउटडोर कंसंट्रेशन इन डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, यस ये वही बात हो गई, बाहर निकल रहे हैं फिर भी परेशानी, बाहर एकदम स्मॉग फैला हुआ है दिल्ली के आसपास में, घर के अंदर जा रहे हैं तो बायोमास जला रहे हैं उसमें भी परेशानी, कहां जाएं इस जगह पर, ये देखिए। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग शोड, इज इट इंपैक्टिंग अपॉन द डेमोग्राफिक डिविडेंड, टेल मी स्टूडेंट्स। ये देखिए, सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर है स्कूल एज के चिल्ड्रन में हुआ था इस दौरान, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये लोग घर में थे, और क्या इन पर आर दे द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ द कंट्री, यस एंड दे वर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, इनडोर एयर पॉल्यूशन। आप बोलिएगा कि सर ठीक है, इस पे क्या कोई सवाल आ सकता है क्या प्रीलिम्स या मेंस में? आ सकता है मेंस में, ठीक है, आपको ये मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा नोट नोट कीजिएगा, सोर्सेज ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन, सोर्सेज, ठीक है, और एंड प्रेवलेंस, प्रेवलेंस का मतलब क्या है, गांव में ज्यादा है, शहर में ज्यादा है, अपर क्लास में ज्यादा है, लोअर क्लास में ज्यादा है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर यूज करने वाले घर में ज्यादा है या बायोमास कुकिंग घर में ज्यादा है, ये सोर्सेज एंड प्रेवलेंस थोड़ा सा 5-5 पॉइंट लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन माइट कम अप इन इन ज्योग्राफी या एनवायरमेंट या साइंस एंड टेक, दैट इंडोर एयर पॉल्यूशन इज ऑन द राइज इन द लाइट, ठीक है, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द मेजर सोर्सेज ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन एंड देयर प्रेवलेंस इन द इंडियन कम्युनिटीज, यस द कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री। तो उसमें कम्युनिटीज में अपर क्लास, लोअर क्लास, रूरल क्लास, अर्बन क्लास, आपको सब जगह डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं? तो दिस इज द टॉपिक ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, चलिए अगला टॉपिक। तो ये देखिए, एनवायरमेंट और इकोलॉजी और ज्योग्राफी में आपने क्या क्या पढ़ा, इंडोर एयर पॉल्यूशन, लॉकडाउन एक्सपोजर, सेकेंड सुकपाइका नदी ओडिशा, थर्ड चौकन पास मुगाफी पास नामदफा नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड आपको बुला रहा है, ठीक है, नेक्स्ट चोलिस्तान डेजर्ट इन पाकिस्तान, जहां ग्रेट इंडियन बस्टार्ड घूमने गया है वापस आ जाएगा यहां पर, उसके बाद ये देखिए सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन ग्रेजिंग एनिमल्स, और इसके अलावा अल्मेनिया नोडी फ्लोरा एंड मल्टी फ्लोरा, जिसे लगता है कि आपके घर के आसपास होता है वो है नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का टॉपिक स्टूडेंट्स, नहीं?
तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस में टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस ने, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस के एम जोसेफ, वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड इन द कंट्री दैट हैज टू बी रिलीजन न्यूट्रल। वेयर हैव वी रीच्ड, व्हाट हैव वी रिड्यूस्ड रिलीजन टू, इट इज ट्रेजिक एंड वी स्पीक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज के से लिंक करते हुए इस टॉपिक को ये बता रहे हैं कि कहाँ पर हमारे शब्द, हमारी बोली अगेंस्ट वेरियस रिलीजन्स, इसमें जितने लीडर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं जो लोग ये पुटअप कर रहे हैं उनके ऊपर ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये वार्निंग जारी किया। ये देखिए यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड इट इज ट्रैजिक दैट वी हैव रिड्यूस्ड रिलीजन टू इन द 21st सेंचुरी एंड अ क्लाइमेट ऑफ हेट प्रिवेल्स इन द कंट्री। हेट स्पीच, ये देखिए हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश, यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अभी कहा है, इट्स नॉट समथिंग न्यू बिकॉज हेट स्पीच वी हैव रेड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स इन द प्रीवियस सेशंस, जब जब हेट स्पीच को लेकर टॉपिक डिस्कस किया गया। आइए देखते हैं क्या हेट स्पीच के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहा है, क्या हेट स्पीच को लेकर कुछ हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं भी या नहीं। लेट्स सी। यस, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कल के न्यूज में था, तो सुप्रीम कोर्ट, मैं कल और आज का न्यूज एक साथ डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस ऑन हेट स्पीच, हाउ कोर्ट हैव रेड इंडियन पीनल कोड सेक्शन 295। देखिए वापस ये आ गया न्यूज में, अदर प्रोविजंस। व्हाइल इंडिया डज नॉट हैव अ फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद हेट स्पीच, अ सेट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड लूजली डिफाइनिंग हेट स्पीच आर इनवोक्ड। ये देखिए, तो लेट्स सी, सुप्रीम कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस के एम जोसेफ एंड ऋषिकेश रॉय इन इंटरिम डायरेक्शंस ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द पुलिस चीफ ऑफ दिल्ली, यूपी एंड उत्तराखंड टू टेक इमीडिएट सीओ मोटो एक्शन अगेंस्ट एनी हेट स्पीच बाय लॉजिंग क्रिमिनल केसेस विदाउट वेटिंग फॉर फॉर्मल कंप्लेंट्स। पुलिस चीफ को कहा गया है क्रिमिनल केस लॉज कीजिए जो भी हेट स्पीच कर रहा है, वेट मत कीजिए कंप्लेंट्स के लिए। द बेंच वॉज हियरिंग अ पिटिशन विच कॉल्ड अटेंशन टू द स्पीचेज डिलीवर्ड। ठीक है, मीन्स एट वेरियस इवेंट्स मेनी स्पीचेज हैव बीन डिलीवर्ड विच हैव इंक्लूडेड सम कॉम्पोनेंट्स ऑफ हेट अगेंस्ट अदर रिलीजन्स। द कोर्ट वॉर्न्ड द अथॉरिटीज दैट एनी हेसिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन will be viewed as contempt of court proceedings and appropriate action shall be taken against the erring officers. तो क्या इंडिया में फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क है हेट स्पीच को लेकर? नहीं है, लेकिन आईपीसी में एक कानून है जिसके तहत हेट स्पीच को काउंटर किया जाता है। ये देखिए सेक्शन 295A एंड अदर्स, हेट स्पीच इज नॉट डिफाइंड इन इंडिया, हेट स्पीच को लेकर कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है एक्सप्लिसिटली, लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड सेक्शन 295A। लेट्स सी व्हाट इज हियर। ठीक है, सेक्शन 295A ऑफ द आईपीसी डिफाइंस एंड प्रेस्क्राइब्स अ पनिशमेंट फॉर डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। हूएवर विद डेलिबरेट, देखिए क्या लिखा हुआ है, डेलिबरेट जानबूझकर, मैलिशियस मीन्स उसका इंटेंशन सही नहीं है, malicious intention of outraging the religious feelings of any class of citizens of India by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise insults or attempts to insult the religion or the religious belief of the other class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। ये देखिए, अब आप कहिएगा कि सर ठीक है, ये बताइए कि क्या स्पीच को लेकर कहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गिवन इन आर्टिकल 19(1)(a) एंड रेस्ट्रिक्शंस किस चीज़ पे नहीं बोलना है इज गिवन इन आर्टिकल 19(2)। ये देखिए, तो हेट स्पीच करके कोई शब्द मेंशन ही नहीं कहीं पर, इसीलिए अभी तक परेशानी हो रही है दिस रेगुलेशंस लाने में और अभी तक पनिशमेंट करने में परेशानी हो रही है, बिकॉज this is what is closest if defining the this hate speech। ये देखिए कहीं भी hate word mentioned नहीं है यहां पर, क्या बात समझ में आ रही है मुझे बताइए students। तो ये देखिए section 295A of IPC is one of the main provisions of the IPC chapter to penalize religious offenses। ये देखिए इसको जरूर link कीजिएगा secular concept and right to religion में,
चैप्टर इंक्लूड्स ऑफेंसेस टू पिनलाइज डैमेज और डिफाइलमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन, ट्रेसपासिंग इन अ प्लेस, ठीक है, अटरिंग वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंट टू वुंड द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन, ये देखिए सेक्शन 297, सेक्शन 296 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। द स्टेट ऑफन इनवोक्स सेक्शन 295A अलॉन्ग विद सेक्शन 153A विच पिनलाइजेज प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। सेक्शन 153A में क्या दिया हुआ है, प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा। सेक्शन 153A और सेक्शन 295A आईपीसी का दिस जारी इन्वोक किया जाता है वाइल गिविंग पनिशमेंट टू एनीवन हु हैज बीन गिविंग हेट स्पीच या स्पीच इंटेंडेड टू इंसल्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दैट्स इट। तो ये देखिए यहां पर द ब्रॉड वेग टर्म्स इन द लॉज आर ऑफन इन्वोक्ड इन इट्स मिसयूज, ये देखिए वेग टर्म्स, ब्रॉड टर्म्स, इसीलिए हेट स्पीच पे क्या हमें अब क्या एक क्लियर कट डेफिनेशन चाहिए कि नहीं, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद भी कितने लोग छूट जा रहे हैं, लोअर कन्विक्शन रेट्स हैं इसमें, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है दिस फ्री स्पीच प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लाया गया है ये नियम कानून, ये मींस इट्स पब्लिक ऑर्डर सिक्योर करने के लिए, इसीलिए हेट स्पीच नाम का कोई शब्द डिफाइंड नहीं है यहाँ पर। हमें चाहिए हेट स्पीच पर अलग से एक कानून और एक डेफिनेशन, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिविटी आएगी पनिशमेंट्स में, ऑब्जेक्टिविटी आएगी इन द केसेस, यस नो सब्जेक्टिविटी विल बी इन्वॉल्व आउट हियर। ये देखिए यस हेट स्पीच पर जरूर से ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए यहाँ पर ये हेट स्पीच पर ये जो सेक्शन 295A ये कब लाया गया था, ये ब्रिटिश टाइम्स का है ये लॉ, 1927 में 1927 में सेक्शन 295A लाया गया था, उसी समय का कानून चल रहा है ये देखिए। एंड ये कौन सा फेमस केस था, रंगीला रसूल केस, ये देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रंगीला रसूल केस। रंगीला रसूल वॉज अ ट्रैक्ट ब्रॉट आउट बाय अ हिंदू पब्लिशर दैट हैड मेड डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स अबाउट द प्रॉफिट्स प्राइवेट लाइफ। Cases against the first pamphlet filed under section 153A were dismissed by Punjab and Haryana High Court, which examined the question whether targeting religious figures is different from targeting religions. इसी को लेकर आगे चलकर this इसी केस में section 295A invoke किया गया और वहीं से 1927 से ये चला आ रहा है as a rule in Indian Penal Code. Later cases In 57, after the freedom of India, after the independence, ये देखिए constitutionality of section 295A was challenged in Ramji Lal Modi versus State of UP. The Supreme Court upheld the law on the grounds that it was brought to preserve public order. ये देखिए public order preserve करने के लिए वो नियम कानून लाया गया है, कौन सा, section 295A. In 1960 ruling in Baba Khalil Ahmed versus State of UP, the Supreme Court said that malicious intent of the accused can be determined not just from the speech but also from external sources. केवल उसके शब्दों से नहीं, malicious intent, खराब intention के साथ उसने शब्द बोले हैं, केवल इसी से जज नहीं किया जाएगा, उसका activity भी देखा जाएगा उसका behavior क्या रहा है उस धर्म को लेकर। और इसी को लेकर students आज की तारीख में hate speech के cases बढ़े हैं, सेक्शन 295A के अलावा हमें एक सेट ऑफ रेगुलेशंस चाहिए। प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है सेक्शन 295A और सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी, अलग से लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स ये सेक्शंस, ठीक है, अलग से लिख लीजिएगा कॉपी में डिफिनेशन के साथ में, ये देखिए। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। आरबीआई कब बैंक को मॉनिटर करने के लिए स्टेप इन करता है, आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये न्यूज़ आया हुआ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन द हिंदू में संडे को आता है। एक सेकंड न्यूज़ आया स्टूडेंट्स इसके बाद, पाकिस्तान इज आउट फ्रॉम FATF, हम लोग वो कल देखेंगे न्यूज़, वैसे मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है वो न्यूज़, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बैंक को देखने के लिए आ जाता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स कब, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके आपके कमरे पर या हॉस्टल पे आ जाते हैं कि चलो मैं भी यहीं रहूंगा बेटा, आप क्या काम कर रहे हो बताओ मुझे। तो ये देखिए व्हाई हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज इट्स ओवरसाइट ऑन धनलक्ष्मी बैंक, ये थ्रिसूर बेस्ड प्राइवेट बैंक है, ठीक है, और क्यों इसके एसेट्स
अंडर स्ट्रेस हैं, बेजल थ्री नॉर्म्स क्या है एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, आइए बढ़ चलते ही देखते हैं। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेस धन लक्ष्मी बैंक अंडर टाइट मॉनिटरिंग विद द थ्रिसूर बेस्ड प्राइवेट बैंक फाइनेंशियल पोजिशन कमिंग अंडर ग्रेटर पब्लिक स्क्रूटनी। द आरबीआई मूव कम्स इन द वेक ऑफ द इंटेंस कोर्ट बैटल वेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द बैंक्स मैनेजमेंट टीम। शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्ड कर रहे हैं बैंक में, उन लोगों ने बैंक की मैनेजमेंट टीम के साथ लड़ाई कर ली है, तू तू मैं कर ली है, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या चल रहा है, मिसमैनेज हो गया है बैंक, आप लोग बता क्यों नहीं रहे हैं बैंक के अंदर क्या है, कितना पैसा है। बैंक तब ना बताएगा जब पैसा होगा वहां पर, ठीक है, तो शायद बैंक के एसेट्स डिक्रीज कर गए हैं। ऑन थर्सडे द बैंक नोटेड दैट माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स हैव कॉल्ड फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नेक्स्ट मंथ टू डिसाइड ऑन रेस्ट्रिक्टिंग द स्पेंडिंग पावर्स ऑफ द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक बिकॉज ऑफ डिटोरेटिंग कैपिटल एडिक्वेसी सिचुएशन ऑफ द बैंक। ये देखिए तो बैंकिंग सेक्टर में एक अगला बैंक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट शायद बढ़ गया है इसका, धन लक्ष्मी बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, अब धन लक्ष्मी बैंक, पीएमसी बैंक। ये देखिए तो धन लक्ष्मी बैंक कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो ड्रॉप टू अराउंड 13% एट द एंड ऑफ मार्च फ्रॉम 14.5% अ ईयर अगो प्रॉम्प्टिंग द आरबीआई टू टेक स्टॉक ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक। तो ये बैंक में कितना रिस्क है उस बैंक के अंदर, ये बैंक का हेल्थ सेव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसको लेकर 1987 से ही स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेजल, वहां पर मीटिंग होती है बैंकिंग बैंक्स की, ये देखिए सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड की, और वहीं पर बेजल वन, बेजल टू, बेजल थ्री नॉर्म्स लाए गए हैं बैंक्स के लिए। बेजल थ्री नॉर्म्स आए थे आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8, ये देखिए, क्योंकि 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस रिसेशन वर्ल्ड का वॉज बिकॉज ऑफ बैंकिंग फेलियर, लेमैन ब्रदर्स बैंक सुना होगा आपने, यूएस में सारे बैंक फेल कर गए, बैंकरप्ट हो गए, इसे कहते हैं बैंक के पास पैसा नहीं होना, जहां पैसा रहना चाहिए वहां भी पैसा नहीं है। और उसी के बाद बेजल थ्री नॉर्म्स वर ब्रॉट आउट दैट बैंक्स, और देखिए इस बार नोबल प्राइज इकोनॉमिक्स में भी दिया गया इसी चीज के लिए, बिकॉज बैंक्स का हेल्थ बहुत जरूरी होता है देश के हेल्थ के लिए, एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए, तो आप बिल्कुल चेक कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर्स इन द न्यूज एंड बैंकिंग फेलियर्स में एक बेजल थ्री नॉर्म्स, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस कि बैंक फेल ना करे, इसको आरबीआई फॉलो करता है, और आरबीआई जब फॉलो करता है ना तो दूसरे के घर पे जाकर बैठ जाता है, दूसरे के बैंक के घर पे जाकर, ये देखिए तो बैंक में जहां दिक्कत है वहां जाकर बैठ गए आरबीआई के लोग, बोला कि आप क्यों आए हैं, आरबीआई ने कहा पीसीए, ये क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये क्या होता है, अरे ये होता है बात जैसे कि पीसीए होता है आपकी लाइफ में, मार्क्स आए 50%, ओके, तो घर से निकलना बंद, मार्क्स आए 80% तो बाइक मिल गई, मार्क्स आए 90% घूमने चले गए, मार्क्स फेल में आए 40% या 30% तो रहा सहा जो मोबाइल और बाइक था सब छीन गया आपसे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेडेशन, दैट्स इट, आपके ग्रेड्स पे डिपेंड करता है। तो धन लक्ष्मी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉल कर गया है। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है, नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द बैंक टू सर्वाइव एज अ गोइंग बिजनेस एंटिटी इन केस इट सफर्स सिग्निफिकेंट लॉसेस ऑन इट्स लोन बुक। अ बैंक कैनॉट कंटिन्यू टू ऑपरेट इफ द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स ड्रॉप्स बिलो द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। ये देखिए बस यही चेक करता है ये, तो बैंक का कितना नेटवर्थ है, मींस कितना कितना एसेट है आपके पास, और कितना, ठीक है, और कितनी कितना नेटवर्थ, मींस कितने नेटवर्थ आप कितना बैंक ओन कर रहा है अपने नाम पर, ओके, और उसके अलावा एसेट्स कितने हैं, एसेट्स में लाइबिलिटीज भी आपको यहां देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या वो वाकई में एसेट्स हैं या सब के सब एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपके नेटवर्थ से ऊपर चला गया आपका लायबिलिटी तो क्या दिक्कत में पड़ जाइएगा, मुझे बताइए, टेल मी, नहीं, पॉकेट में है 100 रुपए, ठीक है, और जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा लिए 1000 रुपए का, ओके, दोस्तों को भी खिला दिए,
पॉकेट पर्स ओपन किए, देखे अरे ये तो 100 रुपया है। फिर क्या आप पर ये असर क्या होगा, आपका हश्र क्या होगा वहां पर, ये बताइए। सो नेटवर्थ जितना है बैंक का उससे कम ही होना चाहिए लाइबिलिटीज आपके। डू यू एग्री टेल मी। यही बेजल थ्री ने डिफाइन किया। कितनी बार क्या होता है बैंक्स गो ऑन एग्रेसिव लेंडिंग, ठीक है एग्रेसिव लेंडिंग, इसको देते हैं पैसा उसको देते हैं, विजय माल्या 1 आया है, विजय माल्या 2 आया, विजय माल्या 3 आया, विजय माल्या 5 आया, सबको दे देते हैं पैसा, क्योंकि विजय माल्या 1 बोल रहा है 20% इंटरेस्ट साथ में रिटर्न करूंगा, ये बोल रहा है 100% इंटरेस्ट रेट, ये बोल रहा है 1000% इंटरेस्ट रेट के साथ में वापस रिटर्न करूंगा, दे दो सबको पैसा। अब वो विजय माल्या उसके बाद एरोप्लेन में बैठ गया और चला गया इंग्लैंड, दिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए। तो मुझे बताइए आपके साथ ऐसा होता है रेस्टोरेंट में तो आप बहुत कम असर होता है क्योंकि आपके ऊपर किसी ने दांव नहीं लगाया है, लेकिन बैंक पर लोग दांव लगाते हैं, जाकर डिपॉजिट्स डालते हैं, यहाँ पे तो असर दिक्कत में है नहीं। यही स्टूडेंट्स इसी को लेकर नेटवर्थ से कम होनी चाहिए लाइबिलिटीज, और आपके एसेट्स एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए लाइबिलिटी से। इनफैक्ट एसेट्स में रिस्क कितना है, क्या वापस करेगा कि नहीं, नाम से ही मालूम चल जाएगा विजय माल्या को दिया, ये तो कंप्लीट रिस्क है, 100% का रिस्क है। ये देखिए यहां पर, तो डू यू एग्री स्टूडेंट्स दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ द एबिलिटी ऑफ बैंक टू सर्वाइव। यस, नेटवर्थ शुड ऑलवेज बी मोर देन द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक। लाइबिलिटीज में वो भी एसेट्स काउंट होते हैं जिसका रिस्क ज्यादा होता है, विजय माल्या वाले एसेट्स, ठीक है। विजय माल्या को जो दिया गया पैसा वो एसेट नहीं है बैंक का, वो तो लाइबिलिटी है, वो तो भाग गया पैसा लेकर, नहीं। तो दिस इज इट। एंड ये देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द कि किस बंदे को दिया गया है और क्या उसके बदले में दिस क्या कोलेटरल मिला है, उसके हिसाब से एसेट्स यानी कि लोन्स को ग्रेडेशन दिया जाता है और उसके हिसाब से बैंक का बैलेंस शीट आगे बढ़ता है। ये देखिए, तो मुझे बताइए क्या अब धनलक्ष्मी बैंक का कुछ समझ में आ रहा है, क्या होने वाला। धनलक्ष्मी बैंक हैज बीन ट्राइंग टू इश्यू एडिशनल शेयर्स इन द ओपन मार्केट थ्रू अ राइट्स इश्यू इन ऑर्डर टू डील विद कैपिटल एडिक्वेसी वोज। तो थ्रू अ राइट्स इश्यू द बैंक विल बी एबल टू रेज मोर कैपिटल फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। लेकिन अब देखिए, जारी कर रहा है मार्केट में शेयर अपना, अरे शेयर होने शेयर जारी करने के लिए आपके पास कुछ तो नेटवर्थ होना चाहिए। इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अभी बोला जा रहा है कितने कितने कंपनीज आईपीओ लेकर आ रहे हैं मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, लेकिन अंदर में पूरा खलास है, खाली चल रहा है सब कुछ। बात समझ में आ रही है? आईपीओ लेकर आकर आप भी मींस शेयर मार्केट में नया एंटर किए हैं, आपने बोला मेरा मेरे दोस्त ने कहा है दैट ये इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, यहां लगाओ, आईपीओ में वहां लगाओ, सब जगह पैसा लगा दिए, तो शेयर मिला 100 रुपये का और शेयर ओपन हुआ जिसमें ओपन होता है आईपीओ 1 रुपये पर। सोचिए क्या होगा आपका हाल। तो ये ऐसी कंपनीज आ रही हैं बीच में शेयर्स लेकर, उनसे भी बचकर रहना है, मैं बता दूं आपको। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज ऑन द डिक्रीज, दैट मीन्स इट्स रिस्की एसेट्स हैव इंक्रीज, दैट मीन्स इट हैज गिवन लोन टू मेनी पीपल रिजेंबलिंग विजय माल्या। ओके, आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है तो वो आईपीओ जारी करती है। ओके, वो कहती है कि चलिए मैं मेरा अपना जो ओनरशिप है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन ए है, उसकी कंपनी है 1 लाख की, उसने कहा मुझे अब 1 लाख नहीं, मुझे 10 लाख और चाहिए और मैं आगे चलकर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाऊंगा या व्हीकल्स बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक साइकिल्स बनाऊंगा। आपने कहा ठीक है यार, कंपनी का अच्छा एम लग रहा है, ठीक है। तो कंपनी कहती है मुझे 10 लाख रुपए चाहिए उसके लिए और मैं इसके लिए शेयर लेकर आने को रेडी हूँ, यानी ओनरशिप मैं बेच दूंगा, बदले मुझे 10 लाख रुपए दे दो। तो कंपनी का टोटल एसेट्स कितने का हो गया, 10 + 1 11 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? और आप भी उसमें ओनर बन गए, इसी को शेयर मार्केट में आईपीओ लेकर आना कहते हैं। लेकिन जैसे ही शेयर मार्केट में ओपन हुआ कंपनी का शेयर, मालूम चला कि आपने एक एक शेयर 100-100 रुपए के खरीदे थे, बहुत सारे शेयर खरीदे थे और 1 रुपए पे ओपन हुआ, क्या चिंता की बात, 99 रुपए का नेट लॉस। बहुत सारी कंपनीज अभी ऐसे ही लॉसेस कर रही हैं, दैट्स इट। तो दिस इज व्हाट इज धनलक्ष्मी बैंक वाज आल्सो गोइंग टू ब्रिंग एडिशनल शेयर्स इन द ओपन मार्केट, ठीक है।
ये वही बात हो गई कि आपके दोस्त ने आपसे कहा कि चलो मैं तुम्हें एक सोने का पेन बेच रहा हूँ, गोल्ड पेन, जिससे जिससे किसी ने लिखा है, बिल गेट्स ने लिखा है या गूगल, जिसने लिखा है वो चला गया कंपनी बनाने आगे। आपने कहा यार गोल्ड पेन है यार, कितने का है? उसने कहा 1 लाख का है। तो आपने कहा कि ओके ओके 1 लाख का है यार, कम नहीं होगा? नहीं नहीं कम नहीं होगा, दिखा दो पहले पेन। नहीं पेन नहीं दिखाऊंगा, पैसा दोगे तब पेन मिलेगा, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? पैसा दिया 1 लाख रुपये आपने, तब पेन मिल गया। आपने कहा ये इसमें तो गोल्ड कहीं दिख नहीं रहा। लगे नहीं, इसका नाम गोल्ड पेन है, गोल्ड का नहीं है ये। अच्छा, तो आपने कहा ओके ओके, इसको जो इससे जो लिखा है वो कहाँ चला गया है? इससे जो लिखा है वो बहुत बड़ी कंपनी ओपन कर लिया है, कंपनी के नेम्स क्या है वो नहीं पता है मुझे। तो ये देखिए ऐसे ही होता है, ओपेसिटी इन द वाइल सेलिंग ऑफ द शेयर्स, दैट्स इट। ओके, गोल्ड का पेन आपने सोचा, उसने कहा गोल्ड पेन नाम है इसका, गोल्ड तो है नहीं इसमें, चले गए काम से आप लोग। नहीं, यही बैंक्स यही तो कर रही है कंपनीज आज की तारीख में आईपीओ लेकर आकर मार्केट में। ओके, उसी दोस्त की भांति। तो बच के रहना है, मैं बता दूं आपको, तो दिस इज द कंप्लीट टॉक्स। अब यहां से आपको क्या उठाना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है, देखिए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड पीसीए फ्रेमवर्क, CAR एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, थोड़ा देख लीजिएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, इसको फुल फॉर्म, इसको कार मत बना दीजिएगा, ये सर कार तो क्या है मुझे पता है। ओके, एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये जानने के लिए थोड़ा अपने घर में देखिएगा, आपके ऊपर भी पीसीए एक्शन चलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिजल्ट्स एंड ग्रेडेशंस यू गेट इन कॉलेज एंड इन स्कूल डेज। ओके, तो यही था आज के लिए स्टूडेंट्स। आरबीआई एंड बैंक मॉनिटरिंग, प्राइवेट बैंक ही मॉनिटर करता है, इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक भी प्राइवेट बैंक था, यस बैंक भी प्राइवेट बैंक था। और ये देखिए, उसके अलावा आपने हेट स्पीच पढ़ा, सेक्शन 295A एंड सेक्शन 153A, ये देखिए। एंड सेबी को नॉर्म्स स्ट्रिक्ट करने होंगे, लेकिन मैं बता दूं सेबी अब देखिए किस हद तक स्ट्रिक्ट करेगा। ओके, क्योंकि वो जितना स्ट्रिक्ट करता जा रहा है उतना ही लूपहोल्स बना बनाकर कंपनीज आगे आ रही हैं। ओके, और पता है लोग, बहुत लोगों के पास पैसा है तभी तो वो आईपीओ खरीद रहे हैं। इसे सुने, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाएगा, क्या बात है, इसमें लिथियम लगेगा, चल लगा देते हैं पैसा। लगा लिथियम क्या पता भी है आपको? नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन लिथियम सुना है कि बहुत मार्केट में चल रहा है। अब लिथियम क्या है नहीं पता है, लिथियम पेन का नाम है, मेटल का नाम है, चिप्स का नाम है, नहीं पता है, लेकिन सुना है कि पैसा देगा। ऐसे ही लोग हैं अभी शेयर मार्केट में। ओके, तो ये देखिए इंडोर एयर पॉल्यूशन भी आपने पढ़ा, इसके सोर्सेज और प्रेवलेंस देखना है। और उसके अलावा देखिए सुखपाइका नदी आपने पढ़ा, चौकन पास पढ़ा, मुगाफी पास पढ़ा, और चोलिस्तान डेजर्ट एंड ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के बारे में पढ़ा आपने स्टूडेंट्स, ये देखिए। एंड इसके अलावा सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन पढ़ा, और इसके अलावा ये पेड़ के बारे में पढ़ा, अल्मेनिया मल्टी फ्लोरा, जो आपको लग रहा है आपके घर के आसपास पाया जा रहा है जो कि वाकई में है नहीं, ये केवल साउथ इंडिया यानी नीलगिरीज के साउथ में और श्रीलंका में पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखने का। ओके, यस यस, बहुत फ्यूचर है लिथियम का, उसी में मालूम चला कोई लिथियम नाम की कॉपी भी लॉन्च कर दिया। ओके, या कोई कोचिंग भी लॉन्च कर दिया लिथियम नाम से, मालूम चला लिथियम है भाई, चलो पढ़ते हैं वहां पर, लिथियम मतलब फ्यूचर है, दैट्स इट। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। और ये देखिए, जिन लोगों को पेड कोर्सेज ज्वाइन करने होंगे या कुछ आपको जानकारी चाहिए होगी, 8329637094 एंड 7276637094 एंड 7038899438 पर जानकारी हासिल कर लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, एंड और उसके बाद ये देखिए, दिस आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर आकर ले जाइए सेशन का फ्री पीडीएफ। नमस्कार, जय हिंद, लेट्स एंड द सेशन। यस, और धनतेरस की शुभकामनाएं, दिवाली की भी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। हम लोग कल भी सेशन देखेंगे मॉर्निंग में, दैट्स इट।